गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, मिस्टर रफी मलिक ने मुझसे एक रिक्वेस्ट किया था कि सर इन टेटर्स के बारे में कुछ समझाइए कि इन टेटर्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका सेंटेंस मेकिंग क्या होगा। ये सारी बातें मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि इन टेटर्स का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो समझते हैं कि इन टेटर्स क्या होता है, उसका सेंटेंस मेकिंग क्या होगा, उसके मायने क्या होंगे, ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। तो इन टेटर्स लिखा हुआ है, इन टेटर्स को अगर हम लोग इंग्लिश में समझे तो इसका मतलब होगा बैडली टॉर्न, बुरी तरीके से फटा, डिस्ट्रॉयड बर्बाद, रियूंड भी बर्बाद होता है, बैडली डैमेज्ड बुरी तरीके से खराब, चिथड़ों में फटे कपड़ों में जो एकदम चिंदी चिंदी चिथड़े चिथड़े हो जाते, एकदम फट जाता है जगह जगह से, तो उसको हम लोग इन टेटर्स कह सकते हैं। होपलेस, जहां कोई उम्मीद ना हो, ना उम्मीद, अनवर्केबल, जो काम ना करता हो, अनवर्केबल, बुरी तरह बर्बाद, देखिए आ गया यहां पर। इतने सेंस में इन टेटर्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एक सेंटेंस समझाता हूं और ये बताता हूं कि हम लोग इन टेटर्स का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों, बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत ही अच्छा फ्रेज है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और एक एक बात को नोट करें, और इसके बावजूद भी अगर आपको डाउट होता है, कहीं पर कुछ परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और आप मेरा वीडियो बीच में नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और कर चुके तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़े। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सॉ अ बेगर इन टेटर्स शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड। आई सॉ अ बेगर इन टेटर्स शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड। वाओ, व्हाट ए नाइस सेंटेंस। मैंने एक भिखारी को चिथड़ों में ठंड से कांपते देखा। मैंने एक भिखारी को चिथड़ों में ठंड से कांपते देखा, एकदम फटे कपड़ों में था वो। इसके बाद अगला सेंटेंस है, इफ यू आर एक्सपोज्ड योर रेपुटेशन विल बी इन टेटर्स। इफ यू आर एक्सपोज्ड, अगर आपकी पोल खुल गई, योर रेपुटेशन, आपकी प्रतिष्ठा, विल बी इन टेटर्स, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आपकी पोल खुल गई तो आपकी प्रतिष्ठा या आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो टेटर्स का मतलब यहां हो रहा बर्बाद, डिस्ट्रॉयड, रियूंड। आगे, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक द इकोनॉमी इज इन द इन टेटर्स आफ्टर डिमोनिटाइजेशन। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक द इकोनॉमी इज इन टेटर्स आफ्टर डिमोनिटाइजेशन। अधिकतर लोग सोचते हैं कि नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। यस, काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि नोटबंदी के बाद जो अर्थव्यवस्था है एकदम बर्बाद हो गई है, धीमी हो गई है, उसके उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। सेंटेंस, आप क्या सोचते हैं, आप पर डिपेंड करता है। द होप्स ऑफ विनिंग द मैच, द होप्स ऑफ विनिंग द मैच आर इन टेटर्स। मैच जीतने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मैच जीतने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, बहुत अच्छा सेंटेंस है दोस्तों, फिर से मैं रिपीट करता हूं। द होप्स ऑफ विनिंग द मैच आर इन टेटर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, आफ्टर द स्कैंडल हिज रेपुटेशन इज इन टेटर्स। आफ्टर द स्कैंडल हिज रेपुटेशन इज इन टेटर्स। रेपुटेशन को हम लोग डिग्निटी भी कह सकते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, घोटाले के बाद उसकी इज्जत बर्बाद हो गई है, उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है। तो ये था दोस्तों टॉपिक। तो मिस्टर रफी मलिक से मैं कहना चाहूंगा धन्यवाद, बहुत अच्छा टॉपिक था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं बाकी व्यूअर्स से भी जानना चाहूंगा कि आपको आज का टॉपिक काफी अच्छा लगा होगा, बहुत उपयोगी टॉपिक है। मोस्टली स्पीकिंग करते समय ये टॉपिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, अगली बार जब भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करें, लेकिन पहले देखिए कि आप इसको बनाना कैसे है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी बातें करते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हर किसी को इस प्रकार के टॉपिक के बारे में पता लग जाए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की कोशिशों के साथ, प्रयोगों के साथ और आपके डाउट के साथ।